इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असली हीरो ऐप में हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी पॉइंट होगा हम लोग ट्रांसफ़र कर सके अपने अकाउंट में। जब तक आप असली हीरो ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं, तब तक आप कोई सा भी कूपन को स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक लॉगिन नाउ और एक रजिस्टर नाउ। तो हम लोगों के पास अकाउंट नहीं है, इसलिए हम लोगों को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जिसके पास अकाउंट होगा वह लॉगिन नाउ पे क्लिक करेगा। देन यहाँ पे इस पूरा डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि नेम, व्हाट्सअप नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। ये सभी डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। देन आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। नीचे आपका टाइमिंग भी दिख रहा होगा, ओटीपी नहीं आया था, टाइमिंग खत्म हो जाने के बाद रिसेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप आएंगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बनकर तैयार हो चुका है, मतलब अकाउंट नहीं रजिस्टर हो चुका है। चलिए अब हम लोग लॉगिन करते हैं। इसके लिए लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, लेकिन हम लोगों के पास पासवर्ड नहीं है। तो मोबाइल नंबर डालेंगे और इस बॉक्स को चेक करेंगे और रिक्वेस्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। देन ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। इतना कर लेने के बाद हम लोगों को 7 दिनों तक वेट करना होगा, तभी जाकर हम लोगों का अकाउंट अप्रूव होगा। क्योंकि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन डाले हुए हैं उसको पहले कंपनी वेरीफाई करेगी, उसके बाद में हम लोगों का नंबर रजिस्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीका से उसमें अकाउंट को जोड़ते हैं, किस तरीका से अकाउंट वगैरह सेटअप करते हैं, कूपन स्कैन करते हैं और पासवर्ड को हम लोग जनरेट करते हैं अकाउंट अप्रूव हो जाने के बाद। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।